नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद सहित यूपी के 20 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई। कल शामली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जाना है। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के दौरान मंडी स्थल पर भारी अव्यवस्थाएं हुई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया। वहीं जिससे व्यवस्था में लगे पीठासीन अधिकारी को कोरोना संक्रमण का डर सता रहा है। जिले में 87 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। फिलहाल भारी पुलिस बल के बीच पुलिस ने पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना कर दी। आज यूपी के शामली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने ब्लॉक स्तरीय स्थल से रवाना हो चुकी हैं, जिसको लेकर शामली प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं। शामली जनपद से करीब 5 जगहों से चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, जहां पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के दौरान कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं ना तो अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही कुछ लोगों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। एक और जहां कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इस मामले में खुद चुनाव में ड्यूटी लगने के बाद रवाना हो रहे पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने कोविड-19 के नियमों का खुला उल्लंघन होने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग आज ड्यूटी के लिए रवाना हो रहे हैं, वह ड्यूटी के बाद अधिकतर संख्या में संक्रमित होने का खतरा है, क्योंकि यहां पर खुलेआम कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बनी हुई है, पहली बार तो चुनावी आवश्यकता नहीं था, इतनी बड़ी महामारी है, लाखों लोग संक्रमित हो रहे, फिर भी इसके बावजूद चुनाव रखा गया। क्या समस्या आ रही है? आप देखिए ना, आप 100 में से 99 लोगों से बात करो, 99 लोगों को समस्या है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा, मास्क आधे अधूरे लगे हुए हैं, किसी के नाक से हट रहा है, किसी के मुंह से हट रहा है, ठीक है ना। तो आप अभी कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, योगी जी? हाँ, सभी को ट्वीट किया गया, चुनाव इतना आवश्यक नहीं था, इसे टाल देते, 2 महीने 3 महीने 6 महीने कोई आफत नहीं आने वाली थी, बहुत बड़ी आफत नहीं आती अगर चुनाव टल जाते, ठीक है ना। अब आप देख लेना परसों को कोविड टेस्ट होंगे, कितने संक्रमण निकलेंगे, कितना क्या होगा। जान इतनी सस्ती थोड़ी है कर्मचारियों की, पुलिस वाले लगे हुए हैं, शिक्षक लगे हुए हैं, इनके परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लेडीज को देखिए, छोटा बच्चा लेके इनके परिवार में कोई होगा नहीं, छोटा बच्चा लेके आना पड़ा उन्हें। आप देखो कैसे बच्चे का ये बच्चा संक्रमण है, किसी को शुगर है, कोई हार्ट का पेशेंट है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सब अंधे बहरे गूंगे भी होंगे। 2004 से चुनाव करा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मतलब इतनी ज्यादा अव्यवस्था कभी नहीं देखी मैंने जितनी अब की बार है। मतलब कोरोना काल में लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, ड्यूटी लेने के लिए, सामान लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर पड़ करके ले रहे हैं सामान। क्या कोरोना जय मतलब बढ़ेगा नहीं क्या? अभी ये पीछे ये न्यूज आई थी 2-3 दिन पहले कि कर्मचारियों को 25% चुनाव की वजह से कोरोना हो रहा है। इनको काउंटर कम से कम 4 चाहिए थे, और पीठासीन के लिए 4 प्रथम के लिए, 4 द्वितीय के लिए, 4 चतुर्थ के लिए। जब मैंने अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आदमियों की कमी है। जब आदमियों की कमी है तो आप चुनाव क्यों करा रहे हो? अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो जो है मतलब अधिकारियों की लापरवाही, जिला अधिकारियों की या उच्च अधिकारियों? उच्च अधिकारियों की, जो व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है, इसके बाद जब चुनाव होगा, टेस्ट किए जाएंगे, इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ेंगे चुनाव के बाद काफी लोगों को कोरोना बढ़ेगा, बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद 100% बढ़ेगा। लोगों की जान खतरे में है, लोगों की जान खतरे में ही चुनाव की वजह से, इस अव्यवस्था की वजह से। जनपद शामली अंतर्गत निर्वाचन जो कल 26 तारीख को होना है, पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर के पूरी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। जैसा आप देख रहे हैं, जनपद के जो 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक के चिन्हित स्थानों से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, इसकी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर के सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे जनपद को 12 जोन और 100 पुलिस के अनुसार 100 सेक्टरों में बांटा गया है। कुल मिलाकर के 4,500 के लगभग हमारे पुलिस फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं, जो पोलिंग सेंटरों पे किया गया है, लैंड ऑर्डर के लिए किया गया है, बैरियर ड्यूटियां लगाई गई हैं। अपराधियों के विरुद्ध जो पहले से जिनके विरुद्ध ये संभावना थी कि उनसे लाइन आर्डर की स्थिति हो सकती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अंतिम मौके पे उनको रेड कार्ड इशू किया गया है। कुल मिलाकर के लगभग 200 मोबाइल पार्टियाँ कल मतदान के दिन, टोटल यहाँ जो 518 मतदान केंद्र हैं उसमें से 178 को हमने संवेदनशील चिन्हित किया है, इसमें पूरी निगरानी रखेंगी और कल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम कराएंगे। आपके माध्यम से एक लोगों से मैं ये जरूर अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग के जो गाइडलाइन है, शासन के जो गाइडलाइन है, मतदान केंद्रों पर जो भी व्यक्ति मतदान करने जाए,
वो मास्क जरूर पहने, ग्लव धारण करें और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करें। जो सर कुछ पीठासीन अधिकारी है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, कोई व्यवस्था नहीं है, पर नहीं यथासंभव हर जगह जो गाइडलाइन दिया गया है इसे पालन करने की हर जगह हर व्यक्ति से अपील की जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से एक दिन पहले जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक शामली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण कराने की तैयारी में जुट गए, जिसके चलते पोलिंग स्टेशन पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया और पोलिंग पार्टी को रवाना किया। जनपद शामली में 26 अप्रैल के दिन सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान होना है, जिसके चलते प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तैयारी को एक दिन पहले ही पूरा कर लिया। शामली के थाना भवन कस्बे के लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज में बनाए गए पोलिंग स्टेशन में स्ट्रांग रूम और पोलिंग पार्टी की व्यवस्था को देखने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक शामली सुकीति माधव पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं और पोलिंग पार्टी को समय से मतदान स्थल पर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रशासन पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने को तैयार है। पूरे जनपद को जोन और सेक्टरों में बांटा गया है, जहां पर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर जनपद में भी शराब की दुकानें खुली रही, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों पर शराब का सेवन करने वाले लोग नजर नहीं आ रहे थे, जिसको लेकर शराब की दुकानों के विक्रेताओं को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। शराब की दुकानों पर काम करने वाले व्यक्ति ने जानकारी दी कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार व जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते उनकी दुकानों पर शराब के शौकीन लोग नहीं पहुंच रहे, क्योंकि रास्ते में ही पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें भगा दिया जाता है और कुछ लोग डर के मारे दुकानों तक नहीं पहुंच रहे। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष भाजपा विजय शुक्ला के साथ शिव चौक से टैंकर के माध्यम से सैनिटाइजर का कार्य प्रारंभ करते हुए भगत सिंह रोड होते हुए लोहिया बाजार के रास्ते से खालापार में सैनिटाइज किया गया। इसके पश्चात दो छोटे टैंकर जिन पर सैनिटाइजर की किट लगवाई गई थी उनमें कुछ खराबी होने पर रुड़की रोड संगम होटल के पास जाकर खुद पालिका अध्यक्ष ने उसे ठीक कराकर वार्ड संख्या 20 के सभासद पवन कुमार ने नुमाइश कैंप में सैनिटाइज कराया। इसके अलावा जिला परिषद मार्केट में खुद अपने हाथों से पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने सैनिटाइज और शामली रोड पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला ने सैनिटाइज किया। साथ ही साथ जेसीबी मशीन के माध्यम से नाला सफाई भी कराई गई। 19 इस समय देश में प्रदेश में जिले में महामारी में चल रहा है। इस समय जगह जगह हालात बहुत खराब हैं। सैनिटाइज कोरोना का प्रकोप इस समय बहुत बढ़ा हुआ है। जहां जहां से भी लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन गलियों में, जिन जिन मोहल्लों में जिस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती अंजू अग्रवाल जी पालिका के द्वारा अधिकारियों को सूचित करते हैं हम भी, और लगातार जहां जहां जैसे जैसे सूचना प्राप्त होती है वहां सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे सुरक्षित रह सकें। और जैसा कि स्वच्छता और सैनिटाइज और ये मास्क और दो गज की दूरी का ध्यान रखते हुए इस समय जो महामारी चल रही है, इससे जगह जगह जहाँ जहाँ से भी सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या, कोरोना की संख्या जो बढ़ती जा रही है, तो जगह जगह जनपद में अलग 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 मोहल्लों में सारे क्षेत्रों में जगह जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ भी पता लग रहा है, जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है, जिन परिवारों में, जिन घरों में, जिन मोहल्लों में, वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है, और इससे बचने के लिए स्वच्छता सफाई का अभियान भी इस समय लगातार सभी क्षेत्रों में चल रहा है, उसके तहत आज हम यहाँ जय हिंद। तो मैं लेडीज़ के लिए यही कहूँगी कि घर में ही रहें, और घर में रह करके बहुत काम होते हैं लेडीज़ के, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, मास्क बनाएं, इन सब कामों में अपना मन बहलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रहें। लेकिन हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम नगर पालिका की तरफ से पूरे शहर को देखें कि जिस तरह की कैजुअल्टी हो रही है उसको रोकने के लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं, हम अपनी नगर पालिका से क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसके लिए हम तत्पर हैं। हमारी पूरी नगर पालिका की टीम है, माननीय सभासदगण हैं, अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, हमारे दोनों डॉक्टर्स हैं, मुश्तैदी से तैनात हैं बिल्कुल,
और सब लगे हुए हैं। जैसे जनपद में आपको आयरन लेडी के नाम से जाना जा रहा है और कोरोना के लिए आप लगातार जंग लड़ रही हैं और लगातार ही क्षेत्र में घरों में जाके मिनी मशीनों द्वारा भी सैनिटाइज करा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, आयरन लेडी तो आप लोगों ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी सब साधारण महिलाएँ ऐसी मैं भी हूँ। हाँ, हमारी मैनुअली मशीनें लगातार निरंतर चालू हैं, जब कोरोना था तब भी और नहीं था तब भी। और आजकल तो जहाँ जहाँ कैजुअल्टी हो रही है, जहाँ जहाँ किसी का भी मैसेज आता है कि मैडम यहाँ इतने केस निकल गए, तुरंत उन दोनों को भेज दिया जाता है। दो हमारे पास हैं, वैसे 60 मशीनें हैं, 5-6 अभी तक चालू हैं और भी अब दिखवा रहे हैं। सभी वार्डों में जहाँ जहाँ जाना है सब जगह जा रहे हैं ये लोग, मैनुअली भी कर रहे हैं और हमारी मशीनों से भी हो रहे हैं। ये रुकने वाला नहीं है अभियान, ये चलता रहेगा और मैनुअली मशीन हमारी लगातार चल रही है। घरों के अंदर जहाँ कैजुअल्टी हो रही है वहाँ अंदर जा जा करके भी बिना किसी कोरोना से डर के वो लोग अंदर सैनिटाइज कर रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जनपद के परिवहन विभाग को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है, जहां पर इक्का दुक्का सवारी को बैठाकर रोडवेज बसें चल रही हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुजफ्फरनगर में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के दौरान परिवहन विभाग को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें परिवहन के द्वारा संचालित बसों में इक्का दुक्का ही व्यक्ति बैठकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी राजकुमार तोमर ने बताया कि कोविड-19 को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा बसों में यात्रा करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और सैनिटाइज कर ही बसों में बैठाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शनिवार और रविवार को लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के चलते घरों से यात्रा करने वाले लोग नहीं निकल रहे, जिस कारण मुजफ्फरनगर परिवहन विभाग के द्वारा रोजाना लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। राजकुमार तोमर, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुजफ्फरनगर डिपो। लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50% यात्रियों को लेकर के बस संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। हम यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार मुजफ्फरनगर शामली, मुजफ्फरनगर बड़ौद बुढ़ाना कांदला, मुजफ्फरनगर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर बिजनौर, मुजफ्फरनगर आपका हरिरोड़ के हरिद्वार, इस प्रकार से सभी मार्गों पर जिस जिस प्रकार यात्रियों की उपलब्धता है अपनी बसों का संचालन करा रहे हैं। यात्रियों की अत्यधिक कमी है, जिसके कारण मुजफ्फरनगर डिपो को प्रतिदिन कम से कम 10 लाख रुपए की हानि हो रही है। बसों में किस तरह की व्यवस्था की गई है? बसों में हम लोगों ने यात्रियों के तापमान जो है चेक कराए जा रहे हैं। परिचालकों को, प्रत्येक परिचालक को 500 ml सैनिटाइजर हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है प्रतिदिन, कि वो अपने भी और यात्रियों के भी हाथ सैनिटाइज कराए, और बस सैनिटाइज करा करके ही डिपो से संचालित कराई जा रही है। चाहे वो किसी भी डिपो की बस क्यों ना हो, मुजफ्फरनगर बस स्टेशन पर आकर के यदि वो ड्रॉप करेगी और फिर पुनः बन करके चलेगी तो वह बस सैनिटाइज होकर ही मार्ग पर संचालित होगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ARTO विभाग के कर्मचारियों ने जागरूकता को लेकर अभियान शुरू किया। अपुमन ARTO विभाग का इंटरसेप्टर वाहन जहां सड़कों पर परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने का काम करता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंटरसेप्टर वाहन में पूरे जिले में घूमकर ARTO विभाग के कर्मचारी सवारी वाहनों को रोक रोक कर उन्हें कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर मास्क पहनने, सवारी को बैठाने में उचित दूरी रखने और वाहनों को समय समय पर सैनिटाइज करने आदि को लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमों को समझा रहे हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर ARTO कर्मचारियों ने खटीमा क्षेत्र की टेम्पो, ई रिक्शा, जीप, बस आदि समस्त सरकारी और गैर सरकारी वाहनों में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु पोस्टर चस्पा किए। साथ ही ARTO कर्मचारियों के अनुसार उनके विभाग के द्वारा कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान सवारी ढोने वाले वाहन चालकों के बीच चलाए जा रहे हैं। रोकथाम के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं।
उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के जसपुर स्वास्थ्य विभाग का लोगों का कहना है कि कोरोना से सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, जसपुर स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है। जसपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार वैक्सीनेशन और सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। जसपुर स्वास्थ्य विभाग आपकी सेवा में तैयार है। देश भर में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जसपुर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने जिले की जनता से अपील की कि कोरोना बहुत तेजी के साथ पैर पसार रहा है। सभी लोगों से अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संदेश ये देना चाहेंगे, देश में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव इस समय चल रही है और हमारी सभी नागरिकों से अपील है कि वैक्सीनेशन अवश्य रूप से कराएं, क्योंकि ये जो है इस समय सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है और लोगों की जान बचाने में ये बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सभी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं उनको एक तारीख से वैक्सीन लगेगी। सभी लोग 18 साल से ऊपर वाले अपनी वैक्सीनेशन जरूर करा। दूसरा, मास्क का उपयोग करें और भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं, भीड़ इकट्ठी ना करें। जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के गांव बेलड़ी रायपुर में दो गाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। आपको बताते चले कि शेरकोट निवासी अजीम अहमद अपनी कार स्विफ्ट डिजायर से अपनी चाची को एम्स अस्पताल ऋषिकेश से दवाई लेकर वापस लौट रहा था। गांव बेलड़ी में नगीना की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने नितिन कुमार ड्राइवर था, अचानक वो अपनी कार का संतुलन खो बैठा और उसकी आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और खेत में जा गिरी, जिसमें अंदर बैठे लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, 108 एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवा दो घंटे में तो यहाँ तक पहुँचा, एम्स नहीं, दो घंटे में घर पहुँचा शेरपुर। मगर झटका लगे ऑपरेशन वाली थी, आराम आराम से चला। तो बाबा ऐसे तूफान की तरह मचा गया है, तो सब गाँव वाले लोग झूठा बता रही। जिस मरीज को आप लेकर आ रहे थे उनका ऑपरेशन हुआ था? हाँ, चची दिनाम बहुत जावेद के में ऑपरेशन हुआ है इनका चेस्ट का। और जो दूसरी गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ के? नजाबाद का दिखे। नजाबाद के? क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखी है? क्या ड्रिंक कर रखी? नशे में फुल मेडिकल होगा इसका। अच्छा, उन्होंने बदतमीजी भी की आपके साथ? जावेद के साथ की, क्योंकि वो 2.5 लाख की और 4 लाख की गाड़ी पैसे गिनवा रही। और अच्छा, ऊपर से वो विकलांग भी उसके साथ में बच्चे है। और पैसे गिनवा लिया वो 2.5 लाख की 4 लाख की। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अभी मेरा मेरा भरपाई हो जाए, छुट्टी मेरा चाह रही, चोट पीट ना लगी, यही बहुत ऊपर वाले आ करा मैं। आप अपने नुकसान की भरपाई बिल्कुल चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में कोविड 19 से बचाव हेतु लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में पालन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में लग रहे वीकेंड लॉकडाउन का रामराज क्षेत्र में लोगों ने मिलकर सफर बनाने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान शासन की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया और यातायात पर भी रोकथाम लगाई गई। रामराज क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप है जिस पर पूर्ण रूप से सन्नाटा पसरा रहा, केवल चिकित्सक और मेडिकल स्टोर की खुले रहे। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दवाइयां ली और अपनी आवश्यकता अनुसार सामान लिया, कोई भी बिना वजह बाहर नहीं दिखाई दिया। सहारनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तीतरों में सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा कोविड 19 के प्रति छेड़े गए जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तीतरों में वैक्सीन लगवाने वालों की काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें जारी गाइडलाइंस के अनुसार 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन लगाए जाने के लिए आमजन काफी खुश नजर आए, जिनमें पत्रकार अशोक शर्मा व पत्रकार उस्मान राव ने भी खुले मन से वैक्सीन लगवाई, जिन्हें कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सहारनपुर की कोतवाली तीतरों में फरियादियों व स्टाफ को वैश्विक महामारी से बचाने के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर व वाटर डिस्पेंसर लगाया गया है। गौरतलब है कि थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने पुलिस बल के साथ कोतवाली में आने वाले फरियादियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक अनूठी पहल की है। उन्होंने कोतवाली में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर और गर्म ठंडे पानी के लिए वाटर डिस्पेंसर लगाए हैं। उनके इस कदम की लोगों ने काफी प्रशंसा की है। वहीं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा का भी धन्यवाद व्यक्त किया।
समाजवादी पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सैन ने वैश्विक महामारी कोविड से क्षेत्र के गांव खंडलाना में विनोद बंजारा व संदीप सैनी की आकस्मिक मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया। कोविड 19 को लेकर बेहद चिंतित सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सैन ने कहा कि देश में दौड़ रही कोरोना की द्वितीय लहर आक्रामक रूप इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग सरकार के भरोसे ना बैठें और वह अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार के पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, अस्पतालों में महामारी का आलम है, लोगों में भय का माहौल है, लेकिन सरकार के पास ना ही तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और ना ही मरीजों के रखरखाव के लिए उचित प्रबंध। उन्होंने देश की जनता से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि वह अपनी रक्षा स्वयं करें। जब WHO ने भी सब नजर पहले ही जो है चेतावनी दे दी थी कि हिंदुस्तान में जो है कोरोना की दूसरी लहर जो है गुस्से कराने वाली है, खतरनाक हो, तो सरकार को जब चेत जाना चाहिए था। जब दूसरे देश चेत थे तो हमारी सरकार को पहले चेत जाना चाहिए था, लेकिन सरकार जो सुबह बात हो गई मैं नहीं मानता कि कुछ और कर देंगे। आज तक जितनी भी बातें की किसी का पूरा नहीं पड़ा जी, और सच्चाई से दूर हर चीज़ को इन्होंने बातों बातों में जाए पूरा कर दिया। मैं तो जनता से यही अपील करूँ कि सरकार के भरोसे न रहें, सरकार के अगर भरोसे रहोगे तो ये तो मार देंगे सबको। अपना बचाव जो है खुद कीजिए, जिस तरीके से जाए जो गाइडलाइंस हैं कोरोना की उनका पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए और व्यास आगे में जाए कम से कम संख्या में जाए मेहमानों को जुटाइए, अपना आप बचो और दूसरे को बचाओ। अपने आप बचने का ही एकमात्र रास्ता जो है वो आप लोगों के पास है, सरकार के भरोसा अगर होंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई बच पाऊंगा। तो यही अपील है आप सब, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है और अपनी रक्षा। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।